जब मैच ये होने वाला फील्डिंग कर रहे हैं कंदोली की टीम में, कंदोली मलिका जैंस के और कंदोली स्ट्राइकर्स के बीच मैच चलता हुआ आप देख सकते हैं। क्या जबरदस्त मुकाबला ये दोनों टीमों के लिए, अपना खाता खोलने के लिए खेलेंगे क्योंकि दोनों टीमों ने दोनों लॉस करके अब कुछ औपचारिकता ही रखा है, बट एक सम्मान के लिए जरूर खेलना चाहेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या बॉलर है दिलीप गेंदबाजी के लिए आते हैं। राजेश मिलेश स्ट्राइक लेते हैं। साइड पर थी दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल के साथ शुरुआत होती है, अतिरिक्त के साथ टीम का खाता खुलता हुआ एक रन के लिए। दो मिनट का गैंस यहाँ पर देखते क्या कमाल कर पाते हैं। बढ़िया शॉट है गैप में भी, लिख लीजिए चार मिलते हुए जी। दो खिलाड़ी जो खड़े ना पॉइंट पर और एक स्कोर के बीच में से चार आया है, ये चौका बहुत बढ़िया दर्शनीय शॉट था, ये चौके में बहुत कुछ लिखा था राजेश झा और निलेश। जड़ में डाली गिनती, जड़ में जवाब नहीं मिला, लेकिन यहां पर रन का चांस है और डायरेक्ट गेट लगी है। ओहो यहां पर चलता किया अपने साथी खिलाड़ी को, रनआउट होना खलता है सर। सर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णा चौहान सर आए हैं जो काफी मेहनत किए इस टूर्नामेंट को सक्षम बनाने के लिए, और अब आने के पहले गेंदबाज सोच रहे हैं गेंदबाजी किस तरह के डाली जाए, क्योंकि सर के पास ऐसी शॉट है कि बॉल के दो टुकड़े कर सकते हैं, ऐसी क्षमता। कैप भी बढ़िया पहने हुए एम्पायर का कैप, तो सर में जोश है, जुनून है, जज्बा है, भले उम्र ज्यादा है रेस्ट में भेज देंगे हमेशा। ये देखिए गेंदबाज डर गया ऐसा लग रहा है, वाइड डालते हुए। राजेश जी सुनील गावस्कर भी इसी तरह का कैप पहन के आते थे और इसी तरह का हाइट उनका भी था। क्या बात है सर, एकदम पहनी नजर है आपकी, मानना पड़ेगा सर की जो शारीरिक रूप और कैप सुनील गावस्कर से एक कंपेरिजन करते हुए। प्लेसमेंट सर के ऊपर कैच लेने गए तो ये मुश्किल है कैच पकड़ना, फौलादी हाथ चाहिए इस कैच को पकड़ने के लिए, जरा संभल के फील्डर्स कल हाथ में पड़ जाए। सर को एक्चुअली स्लो बॉल पसंद नहीं है, यॉर्कर पसंद नहीं है, आप शॉट पिस डाले कैसे बड़े बड़े शॉट मारते देखे। ओहो डर रहे हैं गेंदबाज, डर रहे हैं, वाइड डाल रहे हैं। डॉक्टर केशनाथ तो चौहान साहब को देख के अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, बड़े मैच में बड़े रंग मंच पे बड़े मुकाबले में सर की बैटिंग देखी जाती है, आज मंच मिला है और पहले गेंदबाज डरते हुए। नीचे कदम का इस्तेमाल था, सिंगल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन यहां पर मिसफील्डिंग होता हुआ। चलिए सर का खाता खुला है एक रन के साथ, वैसे अमूमन देखा जाता सर चौके और छक्के से खाता खोलते हैं। आज अपने टेस्ट की पारी को भी याद करेंगे, बचपन की व्यास बताते हुए भी कि मैं टेस्ट में बेस्ट हूं और अब रेस्ट के टाइम में भी बेस्ट हूं। ओहो
अंतर को बेहतरीन करते हुए 9 रन। क्या बात है सर, जबरदस्त स्कोर लेग बाउंड्री के ऊपर सीवर के अगर 4 रन के लिए। वो मैंने कहा था आपको किस तक अपना खाता चौके छक्के से करते हैं, लेकिन सिंगल लेने नहीं चाहते थे और देखिए कैसे 4 मारे हैं, 4 का वार हुआ लगातार। कृष्णनाथ सर का यहाँ बहुत शानदार चौका था ये, जैसा हैदराबाद में ट्रेविस हेड ने मारा थे वैसे ही कृष्णनाथ सर ने ये चौका मारे थे। और यहाँ देखते हैं 13 रन, 13 रन हुए एक ओवर में। डॉक्टर राज यहाँ पे ऑफ साइड पे फील्डिंग करते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं आज। फोटो लेने बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लीज कैमरामैन फोटो अच्छी से लीजिए प्लीज। शॉट यहाँ देखते हो फील्डर द्वारा और ये बाउंड्री 4 रन। राज लगता है आप ये मैच भी आपकी हार ही रहेगी लग रहा है हमें। देखते हैं शानदार चौका यहाँ डॉक्टर राजेश सर का, अच्छा शॉट था यहाँ पर। बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, थोड़ी लाइन लेंथ की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और यहाँ पे अच्छा शॉट उन्होंने खेला था लेकिन मिस होते हुए। बॉलर को जरा लाइन लेंथ पे अपना जरा ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं डॉक्टर कादिर आप जरा इस पे, नहीं काफी कमजोर बॉलिंग होते हुए ये काफी शॉट पटक दी है, हवा में गेंद खेल दी है, देखते हैं क्या कैच हो पाता है। ये लेफ्ट साइड की तरफ बॉल जाता है 4 रन की तरफ, लेकिन ये बॉल रुक गया है। फिर 2 रन से संतोष होना पड़ेगा, कृष्णनाथ सर ने दौड़ के 2 रन पूरा किया। कृष्णनाथ सर यहाँ पे अच्छी रनिंग विनिंग दिखाते हुए, टीम मैन है, अच्छी टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये लोगों ने काफी एंजॉय किया है इस टूर्नामेंट को। ग्राउंड काफी अच्छा था, स्टाफ काफी अच्छा था, फूड काफी अच्छा था। ऑफ में खेल दिया गैप में 4 रनों की तरफ, फिर बॉल को दिशा दिखाई है, बॉलर बहुत शॉर्ट होते हुए और पेस भी कम है, ये विकेट थोड़ा सा स्लो है, इस पे थोड़ा सा आपको पेस रखना पड़ेगा वरना बैट्समैन काफी आसानी से खेल जाते हैं, काफी टाइम मिलता है बैट्समैन को ये पिच पे। सही कहा आपने, थोड़ा सा बॉलर को चतुराई भी अपनी दिखानी पड़ेगी, कभी शॉर्ट बॉल कभी स्लोअर बॉल कभी फास्ट बॉल, ये थोड़ी मिसिंग है। बट यहाँ पे अच्छी चौका मारते हुए डॉक्टर राजेश झा की तरफ से। और यहाँ देखते हैं बॉलर थोड़े से नर्वस है रन अप पे, और ये फिर फुल टॉस बॉलर और लेग में खेल दिया है 6 रनों के लिए मैक्सिमम से, और यहाँ पे आउट, आउट हो गए बॉल हो गए पर जाके प्लेयर ने कैच पकड़ा एकदम बाउंड्री लाइन के पास, बहुत ही अच्छा कैच, शॉट बेहतरीन था लेकिन थोड़ा टाइमिंग सही से नहीं हो पाई और यहाँ पे आउट होते हुए। कैच उन्होंने अच्छा पकड़ा है, कैच पकड़ने वाले फील्डर का नाम क्या है डॉक्टर राज? सौरभ, उन्होंने अच्छी कैच ली है सौरभ ने आज। लेकिन जब तक कृष्णनाथ जी पिच पे मौजूद हैं मैच कुछ भी हो सकता है। हार्ड हिटर रनिंग इन बिटवीन बोलिए, ऑफ साइड लेग साइड उनका सब परफेक्ट है। देखते हैं यहाँ पे बैट्समैन थोड़े से वेस्ट इंडीज वाले लग रहे हैं। राजेश बैटिंग स्टांस थोड़ा अलग है उनका। बॉलर रनअप पे, फिर एक फुल टॉस, जॉकर लेन से बॉल निकलता हुआ बैट्समैन मिस करते हुए उसे। जैसा मैंने कहा उनका स्टांस थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं आगे क्या कर पाएंगे। एक बॉल उनका 0 रन। डॉक्टर केशनाथ स्ट्राइक पे ओवर की समाप्ति पर, देखते हैं डॉक्टर केशनाथ फिर से वही चौका दिखा पाएंगे जो उन्होंने गोल घूम के लेग में मारा था। काफी एंथुसियास्टिक हैं डॉक्टर केशनाथ, एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व होते हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कराते हैं डॉक्टर्स के लिए। और जैसे कि ये मनिका का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर होने के बाद भी ग्राउंड भी अच्छा लिया गया और एम्पायर द्वारा
अंपायरिंग भी बहुत अच्छी थी डॉक्टर कादिर, आपको उच्च स्तर की अंपायरिंग देखी गई है, नो फेवरेटिज्म, काफी अच्छे डिसीजन दिए गए हैं। और इतने धूप में भी, इतने सनी डे में भी अंपायरिंग करते हुए। और डॉक्टर विजय, खाने की भी बहुत तारीफ हुई है, खाना भी काफी अच्छा रहा है, गर्मी और फुल टॉस बॉल और मिस कर दिया है, मिस करके नाथ ने एलबी का चांस हो सकता था, लेकिन अंपायर ने शायद लेग साइड बॉल जा रहा था इसलिए नहीं दिया। जैसा मैंने कहा कि अंपायरिंग के बारे में बहुत हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी बोलनी नहीं चाहिए। सेकंड बॉल बॉलर डालते हुए के साथ ही इन्हें फिर से लेग में घुमा दिया है, चार रन की बॉल प्लेयर ने कट कर दिया, काफी दूर है बाउंड्री वाले की। एक रन शॉट खेला था, ये शॉट काफी अच्छा खेला था लेकिन फील्डर के हाथ में, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा डॉक्टर केशनाथ को। बट कोई नहीं, अच्छा शॉट था यहाँ पर, ये बॉलर काफी अच्छी लाइन लेंथ डाल रहे हैं, अभी तक वाइड या नो वगैरह नहीं डाली, काफी अच्छी बॉल स्टंप के करीब रख रहे हैं, बैट्समैन को चकमा दे रहे हैं, लेंथ रीड नहीं कर पा रहे हैं बैट्समैन। कुछ बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वरुण चक्रवर्ती जैसी है, बॉल की लेंथ आगे रख रहे हैं इसलिए बच जा रहे हैं, शॉट नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पे कैच हो सकता था लेकिन फील्डर वहां नहीं, नपा तोला शॉट कह सकते हो आप। देखते हैं यहाँ पे बॉलर भी अपना, ये ओवर काफी किफायती रहा है, बाहर जा रहा हूँ, दो मिनट में आप बाहर जा रहे। डॉक्टर केशनाथ ऑन स्ट्राइक, बॉलर इसे की नजर ना, अगेन एक तरह का बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन केशनाथ जी रन आउट हो जाए, बहुत ही तेजी से पहुंचते हुए उन्होंने रन कंप्लीट किया। प्लेयर्स को, टीम को, दूसरी टीम को पता चल गया कि डॉक्टर केशनाथ का लेग साइड काफी स्ट्रांग है, उन्होंने वहां पे एक प्लेयर तैनात कर दिया है, वरना वहां पे भी दो तीन फोर लग जाते हैं। बॉलर ने नेक्स्ट बॉल डाली, अगेन ट्राइंग टू प्ले ऑन द लेग साइड, बट जरा वाइड बॉल, बैट्समैन जो यहां पर है उन्हें जरा देखना चाहिए हिट विकेट ना हो जाए, थोड़ी सी अपनी विकेट की वैल्यू देते हुए। देखते हैं वापस से बॉलर अपनी बॉलिंग करते हुए और बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग करते हुए, और ये देखते करते, और ये Play and miss. It's over. कितनी ओवर हुई जरा बताएंगे आप? 3 ओवर 27 रन, 3 ओवर 27 रन्स। भाग गया बाथरूम। जरा बॉलर नेम बताएंगे, बॉलर नेम? कृष्णा ऑन बॉलिंग, कृष्णा। फोर्थ ओवर कृष्णा लेके आ रहे हैं, कृष्णा। देखते हैं यहाँ पे कृष्णा की बॉलिंग कैसी होती है। अब तक काफी एंटरटेनिंग टूर्नामेंट चला है, काफी अच्छी अच्छी टीमों ने कम्पीट किया है इस कप के लिए, ये पहला मलिका का कप है, देखते हैं कौन सी टीम ले जाएगी, लोगों ने बहुत इस रूप में हार्डवर्क किया है, प्लेयर्स लोगों ने भी अच्छी काम किए हैं और एम्पायरों ने भी अच्छी एम्पायरिंग करते हुए सबने अच्छा चीज अपना दिया है, अपना योगदान इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाए। और ये नाइस शॉट कह सकते हैं कि एक तरह का नपतुला शॉट, दो रन के लिए बहुत ही तेजी दिखाते हुए डॉक्टर केशनाथ चुरा लिया है दो रनों को, जैसा मैंने कहा चालाकी से दो रन चुराया है डॉक्टर केशनाथ ने, बॉल को गैप में खेला था, उन्होंने देखा प्लेयर थोड़े से लेजी हो रहे थे और दौड़ के दो रन कंप्लीट किए। जैसा मैंने कहा है कि केशनाथ सर बैटिंग भी उतना ही करते हैं, रनिंग इन बिटवीन भी उनकी फास्ट है, हल्के में ना लें उन्हें, बहुत ही अच्छा शॉट फिर गैप में खेला है, चार रन की तरफ भी बॉल जाते थे लेकिन डीप में प्लेयर मौजूद हैं, फिर से दो रन कर लेने हैं, कंप्लीट कर लेंगे केशनाथ। डॉक्टर विराट कोहली की तरह ग्राउंड का हिस्सा जिस जगह बड़ा है वहां पे गैप में खेल के दो रन भाग जाते हैं, चौके छक्कों पे ज्यादा निर्भर पर नहीं है, भाग के रन कंप्लीट करते हैं ये। लेग में खेल दिया है एक बार, दो प्लेयरों के बीच में खेला है, क्या बॉल सीमा रेखा को पार कर पाएगी? नहीं, कट कर दिया है, डॉक्टर केशनाथ का चौका कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर राज, आपकी टीम को जरा फील्डिंग की थोड़ी, दो प्लेयर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बॉल सीमा रेखा के बाहर, इसी चौके से केशनाथ डॉक्टर का स्कोर बढ़ता हुआ अपनी टीम को एक मौजूद स्थिति में ला दिया है डॉक्टर केशनाथ ने, दो डबल और एक चौका लगाकर। किस्मत सर यहाँ पे
पूरी तरह अपनी बैटिंग को इम्पोर्टेंट देते हुए और टीम को इम्पोर्टेंट देते हुए रन जहाँ है वहाँ बैटिंग देखने के बाद लगता है इन्हें अपनी बैटिंग को थोड़ा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो इनकी टीम थी अगर ये आगे आ जाते तो शायद कुछ और रन बना पाती इनकी टीम। शायद से डॉक्टर बक्सी ने जो कल डॉट किए थे वो भारी पड़ेगा इन्हें, काफी अच्छी टीम है इनकी, लेकिन एक प्लेयर की गलती से पूरी टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा कल। उनका अच्छी कैप्टनशिप भी डॉक्टर केशनाथ ने की थी, अपने सारे प्लेयर्स को रेड बुल भी पिलाया था लेकिन काम ना आया। ये बॉलर थोड़ी चतुराई करते हुए फुल रखते हुए बॉल को बैट्समैन के सामने से टप्पा उठता हुआ, ये बॉल खेलना मुश्किल होता है जब बॉल ऑन द राइज होती है, अच्छे अच्छे बैट्समैन को उसको खेलना मुश्किल होता है। बॉलर काफी चालाकी से दो बॉल डॉट करा चुके हैं एक चौका खाने के बाद। बट यही बॉल हमारे एक भैया है हमारे टीम के सुनील यादव करके, डॉक्टर सुनील यादव, उनसे ये बॉल नहीं हो पाती है। डॉक्टर राज, डॉक्टर कादिर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्य स्पिनर हैं लेकिन मुख्य रन भी दे जाते हैं। डॉक्टर सुनील यादव, जरा आप यहाँ पे मंच पे आएंगे तो बहुत बहुत धन्य होंगे। आप 5 ओवर का मैच है ना सर, 6 ओवर का, 6 ओवर का खेला है, काफी हाई था फिर भी डॉक्टर्स ने अपनी स्पोर्ट्स स्पिरिट को कंटिन्यू रखते हुए भी तपती हुई धूप में आके सुबह से शाम तक रहे। रोड पे क्या चला गया डॉक्टर वेद सर यहाँ पे बॉलिंग करते हैं, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, काफी शॉर्ट रन अप लिया है, या उठा के खेल दिया डॉक्टर, क्या ये मैच हो सकता है? नहीं नहीं, ये ग्राउंड भी डॉक्टर राज ने यहाँ पे कैच ड्रॉप करते हुए थोड़ा सा राज जज किए होते। बाकी डॉक्टर वेद का एक्शन भी काफी यूनिक है, आप देखेंगे वो दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ज्यादा, एक ही हाथ से गोल घुमा के शॉट पटक दी है लेकिन बैट्समैन ने मिस कर दी है, वाइड बॉल करार दी जाएगी अंपायर द्वारा। डॉक्टर वेद की बॉलिंग देखते हुए एक वेस्ट इंडीज के बॉलर थे मार्लन सैमुअल्स, उसी तरह का रनअप रहता था, इसी तरह का बॉलिंग है उनका। बहुत अच्छी गेंद, ऑफ साइड ब्लेयर और पूरी तरह से मिस कर दिया है बैट्समैन ने उसे। यही लाइन है जिसे ऑफ साइड की लाइन अगर आप पकड़ के फोन बॉलिंग करेंगे तो काफी कम रन आप देंगे। यही चीज मैंने कल मेरे बैट्समैन को कहा, बॉलर को समझ में आ गया है कि बैट्समैन, ये चीज मैंने अपनी टीम से कहा था कल लेकिन हो नहीं पाया, उन्होंने अच्छा कट किया है। क्या दोनों प्लेयर नहीं, बॉल प्लेयर के हाथ में सीधा, सिर्फ डॉक्टर केशनाथ आ गए हैं स्ट्राइक पे, ये अच्छा है उनकी टीम के लिए क्योंकि वो रनों को स्पीड में बढ़ा रहे हैं, इक्का दुक्का लेके बीच में एक चौका भी लगा देते हैं, देखते हैं क्या केशनाथ डॉक्टर एक सिक्स लगा के दर्शकों को एंटरटेन कर पाएंगे। बहुत से अरे ये बॉल काफी अच्छा था सिक्स मारने के लेकिन उन्होंने मिस कर दिया है उसको। केशनाथ सर को देख के एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हुआ करते थे 80s 90s में, डेविड बूम के जैसे देखते हैं बैटिंग करते हुए केशनाथ सर, काफी फ्री बॉल थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, बॉलर उन्हें ललचा रहे हैं, गुड लक। अगर डॉक्टर केशनाथ सिक्स मारते हैं तो मलिका हॉस्पिटल उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देगा। 1 लाख रुपया काफी बड़ी रकम होती है यहाँ पर। डॉक्टर रोशन झा का फोन आया है, अगर केशनाथ सर सिक्स मारते हैं तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा डॉक्टर केशनाथ को। और जो बॉलर है जो केशनाथ सर का विकेट लेंगे उन्हें 1000 रुपया दिया जाएगा डॉक्टर केशनाथ के द्वारा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और अभी मुझे ये भी मैसेज आया है जो यहाँ पे पहली बॉल पे विकेट लेगा तो डॉक्टर सुनील यादव। 5 ओवर 39 लास्ट ओवर बाकी है, कम से कम ये ओवर मैक्सिमाइज करने की जरूरत है टीम। अगर मेरे को सुनने में आया है अगर ये बॉल पे विकेट आता है तो डॉक्टर सुनील यादव है जो यहाँ पे ही बैरमबाग में ही जीपी प्रैक्टिस करते हैं, उनके द्वारा 2000 रुपया प्राइज है बॉलर के लिए। डॉक्टर सुनील यादव उन्होंने कहा है एसआर यादव 2000 रुपया प्राइज।
अगर विकेट आता है यहाँ पे, लेकिन मुझे ये नहीं समझना यार ये विकेट आते हैं बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं, लोग चाहते थे उनकी बैटिंग देखना, लेकिन डॉक्टर कृष्ण नहीं यार वो पूरा बॉल खा गए संजू सर थे। काफी अच्छे प्लेयर्स को भेजा जा सकता था लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब से शफल किया गया बैटिंग ऑर्डर को। कोई नहीं कोई नहीं। और डॉक्टर सुनील यादव प्लीज यहाँ पे आ जाइए, 2000 रुपए आपकी तरफ से जो दिया गया था इनाम बॉलर को दिया जाए। रन आउट हुए हैं तो विकेट कीपर और थ्रो करने वालों में प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1000 रुपीज। इनकी बॉलिंग देख के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर प्रियेश यादव जो हमारे बॉलर है हर बार उनका एवरेज 15 से 20 है। फुल टॉस बॉल और मिस कर दिया, काफी अच्छा बॉल था, अगर आप उसको दिशा भी दिखाते लेग में तो 4 रन के लिए कन्वर्ट हो सकता था। रन काफी कम है 39, एक फाइटिंग टोटल अभी तक नहीं है, अगर ये ओवर में कम से कम 12 से 15 रन है तो एक अच्छा स्कोर पे पहुंच जाएगी। देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड बॉल, लेकिन बॉलर काफी चालाकी से गुड लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं और बैट्समैन इतने मंझे हुए नहीं लग रहे हैं। देखिए बैटिंग ऐसी लग रही है, राइट हैंड सनत जयसूर्या ओपनिंग की बैटिंग पे आए हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और बॉलर भी काफी डांस करके काफी अच्छा रन अप है उनका, ऐसा लग रहा है कि वो एक डांस कर रहे हैं। बॉलर भी जरा थोड़ा काफी उन्होंने अपना ओवर कंप्लीट किया, काफी अच्छा ओवर डाला, किफायती ओवर, ना एक भी चौका ना एक भी दो रन, काफी अच्छे डॉट कराए। मेडन ओवर था ये, काफी अच्छा ओवर था मेडन ओवर, 39 बनाया गया है फर्स्ट इनिंग में, सो इट द लास्ट ओवर इट वाज 39 ओनली, सो
संजय स्ट्राइक, डॉक्टर संजय स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर पर है डॉक्टर दिनेश। गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, गेंद संभवतः पैड से लगकर सामने की तरफ गई, रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद डॉट गेंद, अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इसे ऑन साइड में खेलने का एक बार फिर से प्रयास किया था। लगातार दो गेंदों पर रन नहीं मिले हैं। वो गेंद फाइनली छेद पर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। अंपायर का इशारा चार का आया है, यानी कि बैट से संभवतः लग कर गई थी। तो इस चौके के साथ खाता खुला है, यहाँ पर 40 रन बनाने हैं। पहला ओवर चल रहा है, चार रन बन चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर मौजूद। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। भाई ये कैसी फील्डिंग हो रही है। शॉर्ट गेंद थी और इसे जगह बनाकर खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। पहले बाउंस पर गेंद सीधे चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। एम्पायर का इशारा चौके का आया, चार रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ टोटल आठ पर जा पहुंचा है। 32 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। पांच ओवर और कुछ गेंदे शेष है अभी भी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए। विकेट कीपर ने गैदर किया गेंद को बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 8 रन, जबकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। इस बार कामयाब हो पाए, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। जब तक उनकी हथेलियों ने गेंद जाकर समाती, एक चांस था वहां पर, लेकिन ड्रॉप हो गया कैच। और उसके लिए तो दे, इधर आ। तो ये समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन, 32 रन बनाने हैं अभी भी बचे हुए 30 गेंदों पर। बॉलिंग करने में ना डॉक्टर रोशन की ये गेंद थी, इसे शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड में खेला, टॉप एज लगी है, पॉइंट चेज पर काफी लंबा लंबे देर तक गेंद हवा पर थी, लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर आसानी के साथ एक रन ले लिया। और इस एक रन के साथ अब स्कोर 9 पर जा पहुंचा है। पहले आज से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर रोशन की अगली गेंद ऑन साइड में खेल दिया, काफी तेज प्रहार किया लेकिन टाइमिंग सेट नहीं कर पाए। और इस तरह से पहला विकेट मिलता हुआ डॉक्टर रोशन को और उनकी टीम को। पिछले मैच में कैप्टन ने गेंदबाजी नहीं दी थी डॉक्टर रोशन को, अब वो पछता रहे होंगे कितने अच्छे गेंदबाज को किने गेंद बॉलिंग करने दिया गया था। इस ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार।
नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। इस बार प्रहार किया है तेज बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर बहुत ही सुंदर फील्डिंग, दाहिनी ओर लंबी दौड़ लगाते हुए जहां चार रन मिलने चाहिए थे सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। काल हूपर का याद आता है, वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हुआ करते थे, बिल्कुल उसी तरह का रनअप, दो से तीन कदमों का। इस बार गेंद चली गई है फाइन लेग चेज पर, एम्पायर के फैसले का इंतजार करेंगे कि गेंद बैट से लग के गई है या पैर से, बाई का इशारा आया और इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 11। एक बार फिर से अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, गेंद के पिच तक पहुंचकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इतनी अच्छी स्विंग होती हुई गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को बेट कर दिया। अब यहां से पता नहीं चल रहा है कि आउट स्विंग हो रहा है या इन स्विंग, बट हो रहा है स्विंग। इस बार थोड़ी सी खराब गेंद, डीली गेंद लॉन्ग लेग पर चार रनों के लिए, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा है। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अब यहां से 25 रनों की आवश्यकता है बचे हुए चार ओवर में, यानी 24 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता है। अच्छा ओवर पिछला गया, अंतिम गेंद में अगर बाउंड्री को हटा दे तो बाकी के अच्छे गेंदों को डिलीवर किया था डॉक्टर रोशन ने, और एक अच्छा बहुमूल्य विकेट भी प्राप्त किया था। फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल बैट्समैन को ललचाया था, शॉट खेलने के लिए मजबूर किया था। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, और फुलर लेन की गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, मिसफील्डिंग हुई, परिणाम स्वरूप गेंद बॉडी लाइन से बाहर चार रनों के लिए। जहां एक रन मिल, यही है क्रिकेट, जहां पर एक रन मिलने चाहिए थे वहां चार रन मिल गए। पिछले ओवर में जहां चार रन मिलने चाहिए थे बल्लेबाज को, फील्डिंग के इतनी सुंदर की कि एक रन से मैं उसे कन्वर्ट कर दिया। और अब 21 रनों की दरकार 23 गेंदों पर। बहुत अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल लाइन और लेंथ पर पड़कर सीधा विकेट कीपर के हाथों पर चली गई। बहुत सुंदर क्लीन बॉल कर दिया वहां पर, अच्छी गेंदबाजी। अभी भी 21 रन बनाने हैं यहां से। उन्नीस रन बन चुके हैं। टाइम हो गया, देखो 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 विकेट देखो। इस गेम को लॉन्ग ऑन छेद पर खेल दिया जब तक आसानी के साथ एक रन हासिल कर लिया, और अब 20 रनों की आवश्यकता है। 20 रन बन चुके हैं और 20 रन बनाने हैं जीतने के लिए। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, इसके बाद तीन ओवर अभी भी शेष है। अच्छा शॉट, और इसे प्लेस कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर जब तक गेंद फील होती है। आसानी के साथ एक रन ले लिया वहां पर।
और अब 19 रन बनाने हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा है। और फर्स्ट के बाहर की गेंद को जगह खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद पर, विकेट कीपर ने गैदर किया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो इस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन बने हैं, 3 ओवर में 19 रनों की आवश्यकता है, 18 गेंदें 19 रन। नए ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद फटी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 21 रन पर रुका हुआ है, 19 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 17 गेंदों पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दो फैली हुई फील्ड ऑन साइड में, जबकि ऑफ साइड में सॉफ्ट थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है और लॉन्ग ऑफ। इस गेंद को थोड़ी सी लूज गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर से खेला है, एम्पायर का इशारे का इंतजार, गेंद पहले बाउंस पर बॉडी लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए, सुंदर शॉट, देख लिया था थोड़ी सी लूज गेंद है, अपने आप को पोजीशन किया, बॉडी वेट को ऑन साइड में किया, सीधा मिड विकेट की तरफ, 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर 25 पर पहुंचा है, यानी कि 15 रन बनाने हैं अब इस मैच को जीतने के लिए। 15 रनों की आवश्यकता है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। क्रिकेट टेनिस से ताव का खेल कहना बहुत मुश्किल, कौन सी टीम बाजी मार कर ले जाए, कौन सा ओवर एक अच्छा घट जाए, ये कौन सा बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके मैच अपनी झोली में डाल ले। इस बीच ये गेंद खेला है, गेंद काफी देर तक हवा पर है, तीन फील्डर नजदीक थे, विकेट कीपर, बॉलर और एक पॉइंट का फील्डर, लेकिन कोई भी गेंद तक नहीं पहुंच पाया और जब तक गेंद फील्ड होती एक रन आसानी के साथ ले लिया। अब 14 रनों की आवश्यकता है बचे हुए गेंदों पर। ए क्या हुआ, मैं इधर क्यों आ रहा है, ये गेंद दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, लगभग वाइट करार दिया इसे अंपायर ने। ओ भाई, ओ केशनाथ भाई, थोड़ा गेंद इतनी बाहर थी कि वीर देसाई से सीधा 7 बंगला की दूरी तय कर। अगली गेंद और इसे ऑन साइड में टर्न कर दिया है, डीप मिड विकेट की तरफ गेंद जब तक जाती आसानी से एक रन ले लिया वहां पर, और इसी एक एक रन के साथ में स्कोर आसानी के साथ बढ़ता हुआ 28 पर जा पहुंचा है और अब 12 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद 2 ओवर आने अभी भी शेष हैं और इस ओवर की कुछ गेंदें बची हुई हैं। एक मैसेज आया है कि डॉक्टर दिलीप अगर चौका मारते हैं तो वैकुम धाम जाएंगे, पता नहीं अभी क्या किस तरह का मैसेज है, आप समझ सकते होंगे। ये गेंद एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, बहुत अच्छा लेफ्ट किया बैट्समैन ने, देख लिया था गेंद, एक बार फिर से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप चौका अगर मारते हैं तो। हाँ हाँ वाइड है, सर चौका आप मारे आपको वैकुम धाम जाने के लिए मौका मिलेगा, पता नहीं आपको किसके तरफ से ऑफर है। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। एक 11 रन चाहिए 12 गेंदों पर, बचे हुए 12 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। वही गेंदबाजी टीम को किसी भी तरह से 11 रन बनाने से रोकना होगा बल्लेबाजी टीम को। अगली गेंद
काफी शॉर्ट पिच गेंद थी और इसे खेल दिया है मिड विकेट चेप पर। फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, फील्डिंग कर थ्रो करता बिल्कुल सटीक फील्डिंग। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को इस एक रन के साथ। अब 10 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 11 गेंदों पर। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, लेकिन एक फील्डर जरूर मौजूद है, देखना है गेंद। एक रन आगे भाई दिलीप सर स्ट्राइक पर। फिर से एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी आपके लिए, चौका मारिए और वैकुंठ धाम जाइए। अरे भाई वो फील्डर उधर से हटा दो, दिलीप सर को नहीं जाना है इसलिए चौका नहीं मार रहे हैं। आप लोग भी समझिए ना, बार बार क्यों ऑफर दे रहे हैं उनको। वो फील्डर उधर से हटा दो पहले, हम लोग खोल जाके जाएंगे इसको। से बाहर की गेंद, वाइड गेंद, गेंद चली जा रही है फाइन लेग क्षेत्र पर। देखना है इसमें रन तो नहीं ले रहे हैं, अगर बाउंड्री से बाहर गई तो ही रन मिल पाएगा। और एक ही रन सर वाइड का ही ना। अरे भाई यस ओके, तुम्हारे ही लोग हैं। ए रन भी भागोगे कि नहीं रे? सात रन बनाने, हल्के से स्क्वायर कर दिया इसे थर्ड मैन छेद पर, पहला रन आसानी के साथ ले लिया और एक ही रन वहां पर लेंगे। दिलीप सर वह बाउंड्री मारे और वैकुंठ का एक सुंदर सा उपहार। और छक्का मारे हैं तो वैकुंठ धाम अलग है और वैकुंठ नगर अलग है, दोनों जगह का टिकट है आपको, चार पे एक जगह का और छह पे एक जगह का। अरे भागना है, अरे रन तो भागना है। और इस गेम को खेला था फाइन लेग क्षेत्र पर, रन नहीं मिलेगा वहां पर। छह गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी कह सकते हैं कि बाजी मार सकती है दोनों में से कोई भी टीम। खेले दे भाई, वैकुंठ नगर जाना है उसको। अरे वैकुंठ नगर जाना है, जिता देंगे, जिता देंगे, जिता देंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इसी तरह 5 रनों की आवश्यकता थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन थे, सचिन तेंदुलकर को गेंद थमा दिया था और भारत वो मैच जीत गया था। क्या बाउंड्री हो गई? अरे भाई रन तो बाद बाउंड्री हो गई भाई, 5 रन हो गए। ये वाइड 4 रन मिलेंगे, मतलब टोटल 5 रन मिल गए। अरे 4 मिला ना, 4 मिला। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया आसानी के साथ।